लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। कोरोना महामारी की चपेट में आने से इंदौर के झुनी इंदौर थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की मृत्यु हो गई। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मृतक थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी लॉकडाउन के दौरान अत्यंत ही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और इसी दौरान उन्हें कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी का पिछले 19 दिनों से अरविंदो अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी दौरान देर रात चंद्रवंशी कोरोना से जंग हार गए और उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देवेंद्र चंद्रवंशी पिछले करीब 2.5 साल से जूनी इंदौर थाने में पदस्थ थे। उनकी गिनती जाबाज योद्धाओं के रूप में की जाती थी। इंदौर में जब कोरोना के मरीज अचानक सामने आना शुरू हुए थे और नमक गोदाम व माणिक बाग आदि क्षेत्रों के मरीज सामने आना शुरू हुए थे, वहां स्थिति संभालने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। लॉकडाउन के दौरान अपने थाना क्षेत्रों की व्यवस्था में लगे देवेंद्र चंद्रवंशी कोरोना वायरस संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद से इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। टीआई चंद्रवंशी की पहली कोरोना रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में 13 और 15 अप्रैल की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। टीआई के साथ तैनात रहने वाले ASI भी संक्रमित हो गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंस्पेक्टर चंद्रवंशी के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। शिवराज सिंह ने ट्वीट किया है कि मैं देवेंद्र चंद्रवंशी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे कोरोना वॉरियर बनकर लोगों की सेवा में लगे हुए थे। इस संकट की घड़ी में मेरे साथ पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। शोकाकुल परिवार को राज्य शासन की ओर से आर्थिक मदद और उनकी पत्नी को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। यह जानने की जरूरत है कि चंद्रवंशी ड्यूटी निभाते हुए कोरोना से चपेट में क्यों आ गए। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पुलिस जवान और अधिकारियों के पास कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन ही मौजूद नहीं है। ऐसे हालात में वो कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, यह बेहद डराने वाला और विचारणीय प्रश्न है। प्रशासन की नाकामी जवानों पर पड़ रही है भारी, ना अच्छे ग्लव्स है और ना ही अच्छे मास्क। वर्तमान में इंदौर की स्थिति को देखते हुए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पुलिस की सख्ती की वजह से ही यह बीमारी कंट्रोल में आ रही है। कोरोना महामारी का सिद्धांत है कि एक बार किसी शहर में स्थिति बिगड़ी तो संभालने में बड़ी कठिनाई आती है। बावजूद इसके इंदौर पुलिस इतनी विकट परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभा रही है। हमें खुश नहीं हो, इसलिए इंदौर पुलिस दिन रात धूप में तैनात होकर लॉकडाउन का पालन करवा रही है और लोगों को घरों में ही रहने की अपील कर रही है। बावजूद इसके पुलिस को वो सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। ना तो उनके पास N95 मास्क है, ना ही उनके पास PPI किट है। सड़क पर तैनात ये वो योद्धा हैं जिनका ध्यान हमें पहले रखना होगा, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, जिनसे इन पर इस बीमारी का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन इन योद्धाओं को सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रहा है, जो प्रशासन को महंगा पड़ सकता है। यदि इनके पास कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद होते तो आज थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी हमारे बीच मौजूद होते। सामान्य से कपड़े के मास्क पहनकर इतनी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए इन वीर योद्धाओं के लिए वैसा ही साबित हो रहा है जैसे आंखों देखी मक्खी निगलना। पुलिस विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी दबे स्वर में और किसी को नहीं बताने की शर्त पर स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास एक डंडे के अलावा कुछ नहीं है। इस डंडे से वो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर तो सख्ती कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से खुद को नहीं बचा सकते। मुंह पर एक सामान्य सा कपड़ा बांध कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हमारे जवान इस बात से अनजान है कि यह सामान्य सा मास्क इतनी बड़ी बीमारी से बचने के लिए काफी नहीं है। प्रशासन ने जवानों को जो यह सामान्य सा मास्क पहनने के लिए दिया है, उससे वो सिर्फ अपने मन को समझा रहे हैं कि मास्क पहन रखा है। वास्तव में यह मास्क कोरोना से बचने के लिए काफी नहीं है। आज इंदौर DIG समेत सभी अधिकारी व जवान सामान्य सा कपड़ा का मास्क पहनकर चुनौतियों से निपट रहे हैं।
जो बड़ा खतरा है। यदि प्रशासन अभी भी नहीं चेता तो देवेंद्र चंद्रवंशी जैसे कई कोरोना योद्धाओं के प्राण संकट में आ जाएंगे, जो निस्वार्थ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पुलिस विभाग में 10 से ज्यादा कोरोना संक्रमित आ चुके हैं सामने। इंदौर जिले के पुलिस विभाग में 10 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। शहर के 82 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटरों के बाहर तैनात जवानों के पास न तो पीपीआई किट है, न ही N95 मास्क। अफसरों ने तो कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन बिना मास्क और सैनिटाइजर के वो कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। वहीं महीने भर से असंक्रमित इलाकों में ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों और कर्मचारियों का भी मनोबल कम हो रहा है, क्योंकि वो कोरोना की खतरे से वाकिफ हो चुके हैं। वहीं महू एएसपी भी संक्रमित हो गए, इस कारण उनके कुक और भाभी भी कोरोना के चपेट में आ गए थे। संयोगितागंज और पंडरीनाथ थाने के जवान भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस से सावधानी रखने के लिए पीपीआई किट तो छोड़ो, जवानों को हैंड ग्लव्स तक नहीं उपलब्ध कराए। प्रशासन के पास रैपिड टेस्ट किट तक नहीं है। यदि प्रशासन के पास यह किट होती तो 10 मिनट में पता चल जाता कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। वहीं प्रशासन के पास RI गन भी नहीं है। थाना प्रभारी के निधन पर DIG ने जताया शोक। जूनी इंदौर थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी के निधन पर DIG हरिनारायण चारी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शहीद निरीक्षक देवेंद्र चंद्रवंशी पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। पूरा पुलिस विभाग इस संकट की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और आने वाले समय में भी उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरा पुलिस परिवार उनके साथ है। जूनी इंदौर थाना प्रभारी कोरोना योद्धा देवेंद्र चंद्रवंशी आखिरकार 18 दिन बाद जिंदगी और मौत की जंग हार गए। इंदौर पुलिस ने देश के वीर सपूत को आखिरी विदाई उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑर्डर देकर अंतिम संस्कार रामबाग मुक्तिधाम में किया गया। इंदौर पुलिस के एक बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन अधिकारियों में से एक निरीक्षक देवेंद्र चंद्रवंशी आज वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कर्तव्य की वेदी पर उन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हैं और कोरोना की जंग में उन्होंने आज शहादत पाई है। मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से ऐसे वीर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके परिवार के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सहायता हमारे बिना मांगे दी है। उनके परिवार को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो पहले भी हमारे परिवार के थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। देवेंद्र जी को हम वापस नहीं ला सकते, पर उनकी कमी कम से कम महसूस हो इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। पुलिस विभाग के प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक अधिकारी की तरफ से मैं स्वर्गीय देवेंद्र जी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम उसमें दुगनी मेहनत, दुगने जोश, दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे और इस जंग में जीतेंगे, तभी हम आपको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। लोगों से भी अनुरोध है कि अगर उनके मन में इस बलिदान के लिए श्रद्धा है तो वो भी नियमों का पालन करें, घर से बाहर ना निकले और अपने लिए और दूसरों के लिए कोई भी परेशानी की परिस्थिति उत्पन्न ना करें। पुलिस परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति का दिन है। आज हमारे बहादुर एवं जांबाज निरीक्षक देवेंद्र कुमार कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में शहीद हुए हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम सब उनके परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के हितों की देखभाल के लिए पूरा पुलिस परिवार कटिबद्ध है।
और आज और भविष्य में भी उनके जो सामाजिक सुरक्षा जो आर्थिक हित है उनका पूरी तरह से कटिबद्धता से देखभाल की जाएगी। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आज अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले थे थाना प्रभारी। वही अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि चंद्रवंशी की मृत्यु पल्मोनरी एम्बोलिज्म से हुई है। जूनी इंदौर थाना प्रभारी की लगातार दो बार रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और आज वो डिस्चार्ज होने वाले थे। 13 और 15 अप्रैल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने का विचार शुरू हो गया था, लेकिन कल रात करीब 11:30 बजे अचानक उनकी सांस चली और हार्ट रेट तेज हो गई। डॉक्टर विनोद भंडारी के अनुसार इन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, जो एक तरह का हार्ट अटैक है जो नॉर्मल लोगों में भी होता है। यही इनकी डेथ का मेन कारण है। देवेंद्र रघुवंशी जी हमारे यहाँ पर 31 मार्च को आईसीयू में सांस की तकलीफ को लेकर भर्ती हुए थे और उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव थी। उन्हें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे वो बाकी सब सपोर्ट पर रखकर इलाज शुरू किया गया था। 10 तारीख तक उनकी इलाज में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ हो रहा था। तब उनको कई सलाह लेकर एक इंजेक्शन दिया गए थे और उसके बाद में उनकी वापस से रिपोर्ट भेजी गई, जो कि 13 अप्रैल की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई थी। उनका इलाज विग्रस रूप से कंटिन्यू रहा और 16 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उनके एक्सरे में से उनका निमोनिया लेफ्ट साइड का पूरा ठीक हो गया और राइट साइड का ठीक होना शुरू हो गया था। 17 तारीख को दूसरी रिपोर्ट भी उनकी नेगेटिव आई और उनके राइट साइड के लंग में भी 85% इम्प्रूव हो गया था। उनको हम शीघ्र ही डिस्चार्ज करने वाले थे, पर कल रात को 11:30 बजे उन्हें खूब जोर से सांस चलना चालू हुई। वो उनका हार्ट रेट 140-150 जाने लगा और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। हमें उन्हें शंका है कि उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म से उनकी डेथ हुई है। हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म न हो इसके लिए भी उनको डीवीडी पंप लगातार लगाते रहे, वह लो डोज एफेवरिन भी देते रहे थे। अच्छी तरह से मेहनत से काम कर रहे थे और वो 18-19 दिन तक जीवन से लड़ाई लड़ने के बाद कल आज प्रातः 1:30 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। उनको जो तकलीफें थी जिसके आधार पर उन्हें भर्ती कराया गया और जब रिपोर्ट कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव आई थी, इसलिए वो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। ये अलग बात है कि दो जांचें जो हम डिस्चार्ज करने के पूर्व कराते हैं वो दोनों निगेटिव आ गई थी, यानी कि वो कोरोना के संक्रमण से फ्री हो गए थे। तत्कालिक मृत्यु का कारण जो वहाँ के चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताया जा रहा है और वो भी एक कॉम्प्लिकेशन कोरोना का हो सकता है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।